हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो ये भगवान भोलेनाथ का मूर्ति है यहाँ पर, जहाँ हम लोग गए थे। राधा कृष्ण का मंदिर था और मंदिर का नाम दुर्गायणी था, और उनके अंदर राधा कृष्ण का मंदिर, फिर हनुमान जी का मंदिर और दुर्गा जी का मंदिर सब कुछ था, देवी जी का मंदिर भी था। और जहाँ शंकर भगवान का आप मूर्ति देख रहे हैं, वहीं पर मछलियाँ नीचे थी और छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो अच्छा लगता है, जैसा आप लोग जानते हैं कि मुझे प्रकृति से कितना प्रेम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, देखिए कितनी छोटी छोटी मछलियाँ ना, प्यारी प्यारी सी। अब ये मंदिर जो है ना, बहुत सुंदर है। अमृतसर आइए तो यहाँ मंदिर में ज़रूर आइए, जन्नत है जन्नत। वहाँ के एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि यहाँ जाइए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अमृतसर में यहाँ मंदिर के अंदर ना इतना इतना सुकून लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो अंदर फिर वाल्मीकि जी का मंदिर भी एक जगह दिखाऊंगी मैं। अब ये देखिए, हम लोग सब वीडियो रिकॉर्डिंग में सब लगे पड़े हुए हैं। और फिर यहाँ पर पानी वानी अगल बगल बहुत बहुत मंदिर ऐसे हैं जिसके आसपास पानी पानी है और फिर बीच में तो मंदिर है। चलिए यहाँ से थोड़ा घूम घाम के हम लोग अभी बाहर निकलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ कुछ देर हम लोग बाहर बैठे थे, यहाँ जुत्ती वगैरह बेच रहा था। वैसे जुत्ती की दुकान मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा अच्छा ये देखिए, देवी जी का मंदिर है, यहाँ पर जोत जल रही है। मैंने शायद इसका पूरा रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि इनके ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा था और मेरे ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो कुछ इनके फ़ोन में था रिकॉर्डेड, तो वो मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि वो डाउनलोड करना पड़ता है पूरे फ़ोन में, तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, दीप जो प्रज्वलित है उनको आप देखिए और आशीर्वाद ले लीजिए। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और ये देखिए, हर जगह पानी की व्यवस्था रहती है। ये दूसरा मंदिर है, वहाँ बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे जगह आप मंदिर मंदिर घूमने का जगह है। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जितनी धूप थी पता नहीं चल रहा था जितना घूमने में हम लोग को, फिर आनंद ही आ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको साथ फिर आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप वॉल पर जो बैनर लगा उस पर देख सकते हैं, माता जय माता दी करके लिखा हुआ है, लाल देवी मंदिर करके लिखा हुआ है। तो है ये इन्हीं का बनाया हुआ को, मुझे अच्छे से नहीं मालूम। तो दोस्तों अभी देखिए, दुर्गा जी का शेर जो है वो दिखाते हैं। दुर्गा जी का फ़ोटो मैं नहीं ले पाई क्योंकि इनके फ़ोन में फ़ोटो थी, और ये कौन सी जगह मुझे याद नहीं आ रहा, शायद म्यूज़ियम में कुछ। सो गाइस, ये कौन सी जगह मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ी सी, आप देख रहे हैं पीछे तलवार लगी हुई है, बहुत बड़ी सी तलवार है। और अंदर जा कर देखने का, म्यूज़ियम टाइप का ही कुछ है, जो बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक इंसान का चार्ज शायद 400 या ऐसे 250 ऐसे करके कुछ है। तो हम लोग अंदर नहीं गए थे, बाहर बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर टाइप का, क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं, पता नहीं क्या, जो आर्मी वाले होता है उनका था लगा हुआ। तो उसमें हम लोग थोड़ा पिक्चर विक्चर लिए और फिर वापस आगे की ओर चलते हैं। अभी हम लोग जलियांवाला बाग और फिर बाघा बॉर्डर जाएंगे। देख सकते हैं धूप कितनी, और ये अंकल हम लोग को पहुंचाए थे, तो मैंने उनका व्यू ले लिया, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ के। तो यही ऑटो वाले अंकल हम लोग को पहुंचाए थे। चलिए फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अमृतसर आए और बाघा बॉर्डर नहीं गया, तो क्या ही देखे हम लोग। तो बस बाघा बॉर्डर के लिए जा रहे हैं, अंकल को हम लोग ने ऑटो हायर किया था, तो ये अंकल बहुत जगह घुमा रहे थे हम लोग को। कुछ जगहों की तो पिक्चर और वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि इनके फ़ोन से भी बहुत सारी जगह वीडियो हो रहे थे। तो चलिए बॉर्डर पर चलते हैं, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये देखिए, ऑलमोस्ट एंट्री हो गई है। यहाँ पर ज़बरदस्ती लोग जो है ना, फ्लैग गाल पे हाथ पे लगाने के लिए, एक कलर एक्रेलिक पेंट से लगाने के लिए करते हैं, तो उनसे बचिए, ज़बरदस्ती लगाते हैं और फिर पैसा मांगते हैं कि इतने दे दो इतने दे दो। तो जिनकी इच्छा है भाई लगा सकते हैं, जिनकी इच्छा नहीं लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे वहाँ का अच्छा नहीं लगा कि ज़बरदस्ती मांगते हैं पैसा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बाघा बॉर्डर आ गए हैं और यहाँ पर बैठने से पहले बहुत मशक्क़त करनी पड़ी हमें। मैंने किसी चीज़ का वीडियो नहीं बनाया है इस समय तक, मेरे चेहरे से आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी हुई है हम लोग को यहाँ सीट के लिए। मेरा चेहरा एकदम काला पड़ गया क्योंकि धूप में लगभग 1-1.5 घंटा खड़ी रही मैं। तो इस सफ़र में ना बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग भी मिले, जो किसी की तकलीफ़ को नहीं समझते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी मिले। तो खैर, संसार तो यही ना, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग मिलते हैं। तो घूमने से ये एक फ़ायदा होता है कि इंसानों की परख होती है हमें। और ये देखिए, हमारे देश का झंडा लहरा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी झंडा लहराते हुए दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। तो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान का भी झंडा लहरा रहा है,
तो दोस्तों हमने यहाँ पर म्यूट कर दिया क्योंकि तुरंत के तुरंत ना भी कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि देश का गाना बज रहा है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश का यारों क्या कहना। तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हम इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट तुरंत आ जाएगा, है ना। ये देखिए कितना सुंदर लगता है ना, ये सेना के जो जवान हैं वो बढ़ते हैं। फिर ये तो रोज़ होता है यहाँ पे और रोज़ लोग देखते हैं, लेकिन बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ऑनलाइन बुकिंग होती है तो सीट मिल जाता है, एंट्री अच्छे से हो जाती है, लेकिन आपको अगर वहीं से टिकट लेना है फिर लाइन में खड़े रहना है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। ठंडी में आने में ठीक लगता होगा, लेकिन गर्मी में आप चेहरा मेरा देख सकते हैं जैसे जल सा गया है। बहुत गर्मी में धूप में खड़े थे हम, बस चक्कर खा के गिरने ही वाले थे, तब अंदर आ ही गए। खैर चलता है, देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। सो गाइस सारा बाघा बॉर्डर का सारा एक्टिविटीज़ देख के, परेड वगैरह देख के हम लोग अभी बाहर निकले हैं और चेहरा देखिए कितना काला हो गया है मेरा। बहुत धूप में खड़े थे बहुत देर तक, फिर धूप में ही बैठ के देखे थे, अभी भी आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज है। तो खैर कोई बात नहीं, चलता है, इतना घूमने फिरने में कहाँ चले गए। और अभी हम लोग बाहर निकल के हैं और ये बाघा बॉर्डर के बॉर्डर पर हम लोग हैं खड़े, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ भारत देश है। देख सकते झंडा लहरा रहा है पाकिस्तान का, तो बोल रहे जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी चलिए। तो उसमें मैं हंस रही हूँ, मैं अपना वीडियो करने पर पड़ी हुई हूँ। होता है कोई बार बार तो जाता नहीं है कोई, इसलिए जितना हो सके मैंने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की है। ये है पाकिस्तान का झंडा, ये देखिए हमारा भारत देश का झंडा लहरा रहा है बहुत सुंदर, और मैंने इसका स्पेशल वीडियो लिया है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है, अब जब भी अमृतसर आए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बाघा बॉर्डर ज़रूर देखने आइए बहुत, क्योंकि हमारे देश से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, गोल्डन टेम्पल की तरफ जाना है क्योंकि दो तीन लोग गोल्डन टेम्पल में जब गए थे फिर रात में एक बार गाड़ी के कुछ सामान खरीदने के लिए मिलते हैं, और रात में गोल्डन टेम्पल कैसा दिखता है उसके लिए मिलते हैं। इस वीडियो में चला टेम्पल अपने अभी तो टाइम लग रहा है, अभी थोड़ी बहुत करेंगे, और मैंने सोचा था दुपट्टा लूँगी फुलकारी वाली, लेकिन वही रेट ऑलमोस्ट पड़ रहा था तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। तो देखते हैं फिर अपने आगे में क्या होता है। यहाँ कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, नीचे दुकानें लगी हैं, मैंने छोटी मोटी खरीदारी की मैं आपको शेयर करूँगी।
पहले ये वीडियो मैं कंप्लीट कर लूँ बाहर घूमने वाला। सर ये लास्ट है और ये देखिए कितनी भीड़ है। और हम लोग बाघा बॉर्डर से लौट के फिर डायरेक्ट हम लोग यहीं आ गए, खा पी लिए थे खाना पीना। और ये देखिए मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। अभी हम लोग फिर अमृतसर के गोल्डन टेंपल के अंदर आए, क्योंकि आप देख सकते हैं सर पे बांध लिया मैंने दुपट्टा। मैंने उस समय नहीं लिया था क्योंकि बाघा बॉर्डर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, तो दुपट्टा मैंने। सो फ्रेंड्स ये रात का फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं था, ये फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो मैंने डाला है रील्स में, बहुत सुंदर लगता है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और अभी हम लोग कहीं और घूमने जाएंगे, वाल्मीकि का कोई मंदिर है उसमें घूमने जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए राधे राधे, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और वो वीडियो और अच्छा लगेगा आप लोग को। तो चलिए अभी के लिए राधे राधे और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो पर जो नए होंगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैंने अभी यहाँ से दिखा दिया है कि वाल्मीकि का ये हम लोग मंदिर आए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है।